आज की वीडियो एक सिंपल से क्वेश्चन पर, आसमान नीला क्यों दिखता है। दिस इज रैंडम गाय और आज की इस रैंडम वीडियो में एक सिंपल से सवाल का एक ट्रिकी आंसर जानेंगे कि व्हाई स्काई लुक्स ब्लू। लेट्स डिग इन। आसमान नीला क्यों दिखता है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन अगर आप साइंस लवर नहीं हैं या आपकी स्टडीज का बैकग्राउंड साइंस का नहीं है तो इस सवाल का आंसर आपके लिए काफी हैवीवेट साबित हो सकता है, यानी बहुत आसान लेकिन बहुत मुश्किल। अगर हम नॉर्मली किसी से ये क्वेश्चन करते हैं कि आसमान नीला क्यों दिखता है तो मेजॉरिटी का आंसर ये होता है कि हमारी जमीन का मेजॉरिटी हिस्सा नीले ओशन से कवर्ड है, इसलिए जब सनलाइट ओशंस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें ओशंस की इस रिफ्लेक्शन की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। या अगर आपके सोशल सर्कल का कोई मेंबर फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट का फॉलोअर है तो उसका आंसर ये होगा कि हमारी जमीन एक नीले डोम से कवर्ड है जिसके ऊपर शायद पानी है। अगर हम ये मान लें कि ओशंस की रिफ्लेक्शन की वजह से आसमान नीला दिखता है तो आर्कटिक या एंटार्कटिक का आसमान वाइट दिखना चाहिए क्योंकि वहां का पूरा लैंडस्केप सफेद बर्फ से कवर्ड है। इसी तरह अगर हम सहारा डेजर्ट के मिडल में चले जाएं जो कि समंदर से काफी दूर है तो वहां पर आसमान रेत के रंग का दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता और हर तरफ आसमान हमें नीला ही दिखाई देता है। आसमान के नीले दिखने की वजह को साइंटिफिकली इंग्लैंड के एक मशहूर फिजिसिस्ट लॉर्ड रेले ने डिस्क्राइब किया और इस इफेक्ट का नाम भी इन्हीं के नाम से मंसूब है, यानी रेले स्कैटरिंग। अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल और हैवी बात करने लगा हूँ। सूरज की रोशनी जो कि हम जानते हैं 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है जिन्हें हम प्रिज्म के थ्रू भी देख सकते हैं। लाइट में मौजूद ये 7 कलर्स मुख्तलिफ वेवलेंथ पर वाइब्रेट करते हैं, यानी इन 7 कलर्स की वेवलेंथ हर दूसरे कलर से मुख्तलिफ होती है, जिनमें रेड की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है जबकि ब्लू और वायलेट कलर्स की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। जब सूरज से आने वाली लाइट हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद मुख्तलिफ गैसेस से होके गुजरती है जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह शामिल हैं। इन गैसेस के दरमियान में से बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट यानी रेड, येलो और ऑरेंज वगैरह ज्यादा किसी रुकावट के बगैर आसानी से इन गैस मॉलिक्यूल्स के समंदर में से निकल जाती हैं। लेकिन छोटी वेवलेंथ वाली लाइट यानी ब्लू या वायलेट एटमॉस्फेयर में मौजूद इन टाइनी गैस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है या टकरा जाती है और ऑब्वियसली सूरज से मुसलसल लाइट आ रही होती है जिसकी वजह से छोटी वेवलेंथ वाली लाइट भी इन गैस मॉलिक्यूल से मुसलसल इंटरेक्ट करती है और इसी वजह से ब्लू कलर इन गैसेस के मॉलिक्यूल से टकरा के फैलना शुरू हो जाता है, यानी स्कैटर हो जाता है, जिससे हमें हमारा एटमॉस्फेयर नीला दिखाई देता है। सूरज की रोशनी जब हम तक पहुंचती है तो हल्की सी येलोइश फील होती है क्योंकि इसमें से ब्लूइश और वायलेट स्पेक्ट्रम के कलर्स का कुछ हिस्सा हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाता है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमें ऊंचाई पर जो नीला कलर दिखाई देता है वो असल में गैसेस हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब सबसे छोटी वेवलेंथ वायलेट की होती है तो हमें आसमान वायलेट क्यों नहीं दिखाई देता। इसकी रीजन हमारी आंखों से जुड़ी है। हमारी आंखें जो कलर्स देख सकती हैं उनकी वेवलेंथ अराउंड 400 से 700 नैनोमीटर्स के दरमियान है और वायलेट कलर की वेवलेंथ अराउंड 380 से 450 नैनोमीटर्स के दरमियान होती है जो कि हमारी आंखों की कलर्स को देखने की लोअर रेंज है, जबकि ब्लू कलर की वेवलेंथ अराउंड 450 से 500 नैनोमीटर्स के दरमियान होती है और इसी वजह से हमें आसमान ब्लू दिखाई देता है। यहाँ एक और सवाल भी आता है कि सनराइज या सनसेट के वक्त आसमान ऑरेंज या रेडिश क्यों दिखता है। इसकी सिंपल सी वजह यह है कि सूरज की लाइट सनसेट या सनराइज के वक्त एटमॉस्फेयर के ज्यादा हिस्से से गुजर के आती है और जब लाइट को एटमॉस्फेयर के ज्यादा हिस्से से गुजर के आना पड़ता है तो इसमें से मोस्टली ब्लूइश लाइट स्कैटर हो जाती है और जब हम सनसेट या सनराइज के वक्त सूरज की तरफ देखें तो हमें सूरज और इसके इर्द गिर्द का कुछ हिस्सा रेड या ऑरेंज शेड का दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये रैंडम वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लाइट के एक और फेनोमेना के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने अरोरा लाइट्स के बारे में बताया है।